सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। परतंत्र और स्वतंत्र, और कहा गया कि वैसे संसार में कोई भी जीव स्वतंत्र है नहीं। यदि धार्मिक भाषा में कहे स्वतंत्र का अर्थ होता है मुक्ति, निर्वाण, मोक्ष, छूटना। हमारी व्यवस्था स्व के हाथ में जब आएगी तो हम स्वतंत्र कहलाएंगे। और स्व कौन है? आत्मा और परमात्मा, ये दो स्व, बाकी सब पर है, माया पर है। परमात्मा और आत्मा, तो ये स्व हमारा। ज्ञानी स्वतंत्र होता है जब उसको आत्म साक्षात्कार हो जाता है, और भक्त तब स्वतंत्र होता है जब उसको परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है। भगवान की शरणागत होते ही जीव स्वतंत्र हो जाता है, और माया के अधीन रहते ही जीव परतंत्र हो जाता है, बंधन में आ जाता है। इसलिए कहा ना, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, फिरत सदा माया कर प्रेरा। हम इस समय स्वतंत्र नहीं है। स्वतंत्र होते हमारी व्यवस्था हमारे हाथ में होती या परमात्मा के हाथ में होती, तुम सुखी हो जाते। पराधीन सपने हो सुख नाही। जब हम परतंत्र होते हैं, जब हमारी व्यवस्था दूसरे के हाथ में होती है, तो स्वप्न में भी हम सुख अनुभूति नहीं कर सकते। अपनी चाहे घास फूस की झोपड़ी हो और दूसरे का चाहे 10 मंजिल महल क्यों ना बना हो, जो सुख छज्जू के चुबारे सो बलख ना बुखार। क्योंकि वहां परतंत्र था, वहां दूसरे का मकान है, अपना नहीं। तो हमारा अपना घर जब हमको मिल जाएगा तब समझो हम स्वतंत्र हो जाएंगे। अभी तुम काल के घर में रह रहे हैं, अभी तुम मृत्यु के लोक में रह रहे हैं, अभी तुम माया के अधीन हैं। जब हम अपने घर पहुंच जाएंगे, परम धाम यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामा परमम, वही मुक्ति है, वही पूर्ण स्वतंत्रता है।